मुरादाबाद रेंज में पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित 594 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित हुए 442 पुरुष और 152 महिला सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिन्हें पाकर सभी के चेहरे खुल उठे। आपको बता दें कि निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा मुरादाबाद रेंज में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा जिले से चयनित हुए 594 अभ्यर्थियों को नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति पत्र देकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर्स को नियुक्ति पत्र और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह आशा करते हैं कि सभी चयनित दारोगा अपने काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। वहीं सलाह देते हुए कहा कि निष्पक्षता के साथ सभी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी बरतें। इस मौके पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल मोड से सभी नवचयनित ऑफिसर्स को शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस ऑफिसर्स को डीआईजी की तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। ये टोटल 594 आज जो सब इंस्पेक्टर्स और प्लाटून कमांडर्स की जो आज जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे मंडल के लगभग 594 नियुक्ति यहाँ पर हुई है, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। विभिन्न जो प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर के ऊपर भर्ती हुई है, इसके अंदर 442 पुरुष हैं और 152 महिलाएं हैं, जो रेंज के पांचों जनपद अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल के अलावा पीएससी के हैं। पीएससी के इसके अंदर टोटल 28 लोगों की भर्ती हुई है। सभी लोगों को जैसा कि आपने देखा उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभकामनाएँ दी गई हैं और हम लोग सभी लोग इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। सर, लोगों से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आगे आगे? सभी जैसा आपने देखा अभी मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी लोगों को शुभकामना संदेश दिया गया और किस तरह से पुलिस की नौकरी एक अनुशासन के रूप में, निष्पक्षता के रूप में, पूरी ईमानदारी के रूप से, सतत रूप से पब्लिक में सुरक्षा और सद्भाव की भावना देते करें, इसी फ्रंट के साथ वो अपनी सर्विस ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू।